हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को यूज करके कुछ ऐसा लेआउट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बैनर चाहिए और हमें ये डेडपूल की इमेज। तो मैं गूगल में जाके डेडपूल सर्च किया, तो यहाँ पे आप जाके डेडपूल सर्च कीजिए और फिर इसके बाद आपको इमेज में जाके जो भी आपको इमेज अच्छी लगे वो एक बैनर, जैसे मैंने ये बैनर के लिए डाउनलोड किया है और ये छोटे वाले, तो आप ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो इमेज डाउनलोड करके रखा है, एक ये और एक ये। अब इन्हीं दोनों को यूज़ करके मैं ऐसा एक लेआउट बनाता हूँ। तो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ऑन है और मैं इसको, इसमें हमें दो इमेजेस की जैसे ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा, इसके बाद ऐप में, ऐप के बाद रेस्ट फोल्डर के अंदर आपको ड्राविल दिखेगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी इमेज फाइल यूज़ करते हैं उसको हम इस फोल्डर में रखते हैं। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद रिवेल इन फाइंडर। तो अगर आप मैक में हैं तो आप फाइंडर के थ्रू इस फोल्डर की लोकेशन में डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर अगर आप विंडोज़ में हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन होगा जिसमें आप डायरेक्टली फोल्डर में ओपन डायरेक्टरी ऐसा करके कुछ होगा, तो आप उसमें जाके इसके ड्राइवल के लोकेशन में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवल फोल्डर है ये यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसके अंदर गया और यहाँ से ये दो इमेज मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। फिर मैं अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे दो फाइल डेडपूल और मेन जो मैंने डाउनलोड किया था वो दोनों यहाँ पे हैं। तो मैं इसको फिर से कोलैप्स कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज़ को, ताकि आपको अच्छे से दिखे। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर आप उस इमेज को ध्यान से देखें, इस वाले इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले बैनर है एक बैकग्राउंड में, तो हम सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें एक इमेज व्यू की ज़रूरत है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट पेरेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करता हूँ, कहीं भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो हमारे में ये विंडो रिसोर्सेज विंडो खुलेगा। रिसोर्सेज विंडो में आपको प्रोजेक्ट में जाना है, तो आपने फाइल यहाँ पे ड्रॉविल फोल्डर में ऐड किया था, तो वो ड्रॉविल के अंदर आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको ये दोनों फाइल दिखेंगी। तो हमारा जो बैनर का है वो ये है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर वो जो फाइल है वो ऐड हो गई है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको चार हैंडल्स दिखेंगे, तो एक्चुअली इमेज बड़ी है इसीलिए हैंडल्स यहाँ पे छुप गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चार हैंडल्स दिखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा मेन मोटिव है कि जो मेरा टॉप है वो हमेशा पेरेंट के टॉप से हो रहा है, तो मैं उस पर क्लिक किया हैंडल पे और उसको टॉप पे ड्रैग किया। सेम इसको भी मैं पेरेंट से अटैच कर दूंगा। तो इधर भी मैंने इसके हैंडल में क्लिक करके इधर और इसके हैंडल में क्लिक करके इधर साइड, और सेम यहाँ पे आप देखें तो हो गया है। इसके बाद जो डाउन वाला है इसको मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो कुछ ऐसा बनाना है, तो हम मैं जो डाउन वाला है उसको नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, या फिर आपको जैसा चाहिए, सपोज मुझे जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं स्केल टाइप में जाके इसको फिट एक्स वाई कर देता हूँ, तो हमें कुछ ऐसा बैनर दिखे। तो इमेज हमारा प्रॉपर हो गया है। इसके बाद सेकेंड क्या है, इसमें हमें ये डेडपूल वाला बनाना है। तो अगेन ये भी एक इमेज व्यू है, तो मैं एक इमेज व्यू लेता हूँ और जस्ट कहीं भी आप ड्रॉप कर दीजिए।
क्योंकि इसके बाद हमें उसके कंस्ट्रेंट सेट करने हैं। इसके पहले जो भी हम लेआउट पढ़े थे, जैसे लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट, उसमें क्या होता था कि हमें बहुत ही मुश्किल होती थी लेआउट मैनेज करने में। हमें कई सारे लीनियर लेआउट, अगर ऐसे लीनियर वे में क्रिएट करने, तो हमें कई सारे लीनियर लेआउट क्रिएट करने पड़ते थे और उसके अंदर चाइल्ड लेआउट बनाते थे। तो यहाँ पे आपको कोई भी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमें कॉन्स्ट्रेंट अच्छे से सेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेआउट ऑटोमेटिकली बेस्ट बनेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैंने इमेज ड्रैग किया था और इसके बाद मैं सेकेंड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमारा जो सेकेंड इमेज है वो पहले वाले के नीचे है। तो वो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड इमेज का जो टॉप है उसको ले जाके पहले वाले इमेज के बॉटम में सेट कर दूँगा। सेकेंड चीज़ वो क्या है, लेफ्ट से अलाइंड है, तो लेफ्ट के एंड में है, तो मैं इसको ले जाके लेफ्ट में, लेफ्ट के पेरेंट में हैंडल को ड्रॉप करूँगा। और फिर इसके बाद ये और ये दो हैंडल हैं, इनको मैं टच नहीं करूँगा। इसलिए हमें टॉप और लेफ्ट वाले हैंडल को अलाइन करना है। बट यहाँ पे अगर आप देख, तो जो हमारा इमेज है वो पूरा इसमें, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ मार्जिन है। तो आप इस इमेज में क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो अभी मार्जिन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन 8 सेट कर दिया। सपोज आपको 10 करनी है तो आप 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, प्लस आप देखेंगे उस इमेज में टॉप में भी कुछ मार्जिन, मैं टॉप में भी 10 कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि आपका बस यही, जैसे अगर आप, मैं नीचे को ड्रैग कर रहा हूँ तो इमेज की साइज सिर्फ नीचे को बढ़ रही है। तो इस चीज़ को प्रॉपर, जैसे हमारा कुछ है कि हमें 1:2 में इमेज रखना है या फिर 2:3 समथिंग, अगर हम आप सोच के रखें, इसके लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये कॉन्स्ट्रेंट सेलेक्ट करना है जिसे हम कहते हैं मैच कॉन्स्ट्रेंट। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 1:2 में इमेज को हमेशा रखना है, तो मैं, ये हमारा 1:2 है। अब इसके बाद अगर मैं इमेज को बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि इमेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है 1:2 के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप उस लेआउट को अच्छे से ध्यान दें तो ये वाला जो है पोर्शन है वो है ब्लैक में। तो मैं जस्ट ये पेरेंट पे ही क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल एट्रीब्यूट आपको दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी दिखेगी बैकग्राउंड, और यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे और फिर कलर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया है, पूरा डार्क। अब इसके बाद इस इमेज में नेम है मूवी का, फिर डेट, और फिर इसके बाद स्टार रेटिंग। तो सेम हम भी वैसा ही करते हैं। तो नेक्स्ट हम टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहीं भी, क्योंकि हमें इसके बाद सेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट व्यू का ब्लैक। तो हमें यहाँ आके सबसे पहले कलर चेंज करना है ताकि हमें कलर दिखे। तो हम इसको लाइट वाइट कर देते हैं, तो ये देखिए इसका कलर। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो इस इमेज के राइट में है। सब हम ये इस कॉन्स्ट्रेंट को, इसके जो ये लेफ्ट वाला कॉन्स्ट्रेंट है, इसको ले जाके हम इसके यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये राइट पे अलाइंड हो गया। सेकेंड चीज़ क्या है, ये जो टेक्स्ट व्यू है नेम वाला, इस इमेज के टॉप में अलाइंड है।
मैं इसके टॉप को ले जाके इसके टॉप में क्लिक कर देता हूँ, तो इसके टॉप में अलाइन हो गया। और सेकेंड, इसके बाद जो थर्ड चीज़ है, इसमें इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मार्जिन है, तो मैं एक मार्जिन सेट कर देता हूँ 8 की, या फिर मैं इसकी 10 की मार्जिन सेट कर देता हूँ। यहाँ पे 10 की मार्जिन मैंने इस इमेज को सेट कर दिया। अब यहाँ से जाके मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डेडपूल। और इसकी साइज, टेक्स्ट साइज आपको प्रॉपर्टी दिखेगी, यहाँ से आप साइज चेंज करके मैं 24 कर दिया, तो ये हो गया डेडपूल। सेकंड उसमें था ईयर और मूवी का कितने मिनट की है। फिर से मैं एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके कॉन्स्टेंट सेट करने हैं। तो ये जो हमारा, अगेन इसका जो टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, बाई डिफॉल्ट ब्लैक है। तो मैं यहाँ आके इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे बार बार कलर चेंज कर रहे हैं। आप डायरेक्टली थीम में सेट कर सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का है कलर वो हमेशा ब्लैक की जगह वाइट रहे, तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं सबका इंडिविजुअली कलर चेंज कर रहा हूँ। और इसके बाद ये तो कहीं भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, अब हमें कॉन्स्टेंट सेट करना है। तो ये बेसिकली डेडपूल के नीचे होना चाहिए, तो मैं इसके टॉप को ले जाके इसके बॉटम में सेट कर देता हूँ। और ये वाला जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के राइट में होना चाहिए, तो मैं इसके इस वाले कॉन्स्टेंट को फिर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो ये इमेज प्रॉपरली अलाइन होगी। और यहाँ पे मैं इसको अलाइनमेंट दे देता हूँ, जैसे सबको दिया 10। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये मूवी, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो है ईयर एंड टाइम। तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट लिखना कुछ ना कुछ ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको विजिबल नहीं रहेगा। तो अगर वो जैसे यहाँ पे अभी विजिबल नहीं था, तो आप यहाँ कंपोनेंट ट्री में भी जाके आप पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट फील्ड में मैं ईयर 2018 डाल देता हूँ, और फिर कॉमा, और इसके बाद 108 की मूवी। और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिलेक्शन है साइज़ का, वही रहने देता हूँ। नेक्स्ट स्टार रेटिंग है उसमें, तो स्टार रेटिंग के लिए सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट भी फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कहीं पे भी, और सेम मैं इसके बॉटम पे सेट करूँगा। और फिलहाल मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। और यहाँ पे मैं इसको 4.5 दे देता हूँ। और कुछ मार्जिन सेट कर देता हूँ 10। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो लेआउट क्रिएट करने वाला जो इसमें स्टेप्स हैं वो बहुत ही इजी हैं। जस्ट आपको कॉन्स्ट्रेंट सेट करने हैं, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब सेकंड चीज़ क्या है, स्टार लाना। स्टार लाने के लिए हमें एक इमेज व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया कहीं भी, और इसके बाद मैं सर्च करूँगा कि क्या हमारे पास स्टार बटन है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है, तो आप ड्रॉवेल में जाएँ तो एंड्रॉयड के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्स रहता है, उन रिसोर्सेज से भी आप अपने, जैसे आपको स्टार की ज़रूरत थी तो आप डायरेक्टली वहाँ सेलेक्ट कर सकते। मैं यहाँ स्टार सेलेक्ट किया, ये स्टार, अब जो ये स्टार है इसके इस वाले टेक्स्ट के राइट होना चाहिए। मैं इसको आगे जाके
कर दूंगा। इसके बाद ये स्टार का जो अलाइनमेंट है ये उस वाले टेक्स्ट के टॉप के अलाइनमेंट होना चाहिए, प्लस जो बॉटम है इसके बॉटम से होना चाहिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली स्टार की जो साइज है वो एडजस्ट कर दिया। क्या करता हूँ, वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा करता हूँ और जो स्टार है इसकी साइज भी मैं थोड़ी सी छोटा कर, तो परफेक्टली हमारा स्टार भी दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है पार्ट है वो ये है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट कंटेंट ऐड करने के पार्ट में आ रहा हूँ। तो कंटेंट ऐड करने के लिए आपको एक अगेन टेक्स्ट व्यू चाहिए, इसको भी आप कहीं भी ड्रॉप कर दीजिए। और इसका जो टॉप है मतलब ये जो है इसके कंटेंट है वो इसके बॉटम से स्टार्ट होता है, तो मैं इसके टॉप को इसके बॉटम में कंस्ट्रेंट को सेट कर देता हूँ। इस वाले को इसका जो राइट है उस टेक्स्ट व्यू का उसको मैं पेरेंट के लेफ्ट एंड में सेट कर देता हूँ। जो टेक्स्ट व्यू का लेफ्ट है वो पेरेंट के लेफ्ट है, टेक्स्ट व्यू का जो राइट है वो पेरेंट के राइट में, क्योंकि ये पूरा एक्सटेंड करेगा। और इसका जो बॉटम है वो पेरेंट के बॉटम। बॉटम पेरेंट के बॉटम से राइट। तो आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, इसको भी मैं इसका कलर चेंज करके सबसे पहले वाइट कर देता हूँ आपको दिखे। नेक्स्ट मैंने आपको ये वाले बताए थे, तो इसमें अब हमें क्या चाहिए पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो थर्ड या ऑटोमेटिकली मैच कॉन्स्ट्रेंट। तो ये ऑटोमेटिकली मैंने जो कॉन्स्ट्रेंट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ये हमारे व्यू को बढ़ा देगा। और इसके बाद टॉप ही मैं वैसे ही करता हूँ और बॉटम भी वैसे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब सेट हो गया। इसके बाद हम चाहेंगे डेडपूल सर्च करेंगे इसके बारे में कुछ, ताकि हम वहाँ पे कॉपी कर सकें। और ये इसकी जानकारी है, मैं इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दिया दो बार, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट आप देखें तो वो नहीं है, तो यहाँ भी मैं मार्जिन 10 की सेट कर देता हूँ ताकि ये अलाइनमेंट इसका अच्छा दिखे। और इधर साइड से देखिए अलाइनमेंट करेक्ट हो गया। अब इधर साइड से भी हमें अलाइनमेंट करेक्ट करना है, तो यहाँ पे आया मैंने इसको भी 10 कर दिया और बॉटम मैं जस्ट रहने देता हूँ। टॉप में ज़रूर टॉप का भी अलाइनमेंट मैं 10 कर देता हूँ, तो प्रॉपरली मेरा जो लेआउट है वो बन गया है। अब इसके बाद आप इसमें अगर ध्यान दें तो हमें यहाँ पे एक्शन बार दिख रहा है, तो अगर आपको एक्शन बार नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, मैनिफेस्ट खोलना पड़ेगा और यहाँ पे थीम फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। सेम आपकी जो थीम फाइल है वो एक्चुअली स्टाइल फाइल होती है, वो स्टाइल फाइल आप वैल्यूज फोल्डर के अंदर भी पा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, थीम ऐप कॉम्पैक्ट लाइट डार्क एक्शन बार, तो हमें एक्शन बार नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे नो एक्शन बार वाला सेलेक्ट कर, सेम अगर जो जो मैं आपको बता रहा था थीम वो यही फाइल है। और जैसे हमें बार बार ब्लैक कलर सेट करना पड़ रहा था वो एक्चुअली थीम के कारण रहता है, तो आप ब्लैक कलर को हम वाइट कर रहे थे तो वो थीम में होता है, तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो नेक्स्ट टाइम से आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने नो एक्शन बार सेलेक्ट कर लिया है और वापस मैं अपने लेआउट में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्शन बार
हट गया है, अब बस इसका जो ऊपर का है वो दिख रहा है। तो हमारा जो एक प्रकार से डिज़ाइन है वो बेसिकली हो चुका है, और मैं इसको लेआउट को रन कर देता हूँ। तो ये मेरा डिवाइस मैनेजर, इसमें मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैं नेक्सस 5 को ऑन करता हूँ। तो ये मेरा नेक्सस 5 ऑन हो चुका है। इसके बाद जैसे कि मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है तो मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट का एपीके बनेगा, फिर इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड इम्यूलेटर में रन होगा। प्रोजेक्ट इम्यूलेटर पे रन हो चुका है, क्रेडल बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्च हो रहा है, आप देख सकते हैं डाउन पे। और ये तो यहाँ पे आप देखें तो हम, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जैसा मैं चाह रहा था वैसा एग्जैक्टली दिख रहा है, और सारे कॉन्स्ट्रेंट जो हैं वो भी फिक्स्ड हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्सस 4 में जैसे लेआउट को डिज़ाइन किया, अगर मैं नेक्सस 5 में देखना चाहता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये नेक्सस 5 के अनुसार सेट हो रहा है। सेम आप किसी और बड़े डिवाइस में देखना चाहते हैं जैसे पिक्सल 2 एक्सल, तो यहाँ पे ये पिक्सल 2 एक्सल के अनुसार सेट हो रहा है। तो जो हमारा लेआउट है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग दिखने लगेगा। तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ करके आप इजीली अपने लेआउट को बना सकते हैं, आपको बहुत मल्टीपल नेस्टिंग करने की हेडेक नहीं रहेगी, और आपके लेआउट का परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कीजिए इस लेआउट पे और कई सारे कूल डिज़ाइंस बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।